दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कुछ ऐसे फंडिंग एप्लीकेशन के बारे में। देखो फंडिंग से रिलेटेड है कि आज की डेट में जो टुडे अर्निंग, जो टुडे रेवेन्यू जो बनता है, इस टाइप की जो बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे आप पैसे डिपॉजिट करके रखो और आपको डेली की अर्निंग देते जाता है, ऐसी मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई। कुछ टाइम पहले मैंने बात किया हुआ था ऐसी एप्लीकेशन के बारे में, सब कुछ जानेंगे गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो नए होते हैं इन एक्सचेंज में जो एंट्री मारते, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे भुक्त भोगी, सब कुछ समझ में आएगा क्या कुछ इनका प्लान होता है और एक कब तक वैलिड है ना। एक वैलिडेशन होता है कोई भी चीज का गाइस, क्योंकि यहां पे सभी लोगों को चूना नहीं लगाता है एप्लीकेशन और सभी के साथ स्कैम नहीं होता। बेसिक से जानेंगे गाइस, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं अभी आपको रिसेंटली जो मार्केट में आई है वो एप्लीकेशन बताता हूँ। एप्लीकेशन कहो या एक साइट कहो, सबको आपको एक बारी बारी से बताता हूँ। बहुत सारी है, सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी अभी जो रिसेंटली अब आजकल में देखोगे तो एक GD फंड नाम का एप्लीकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा रन कर रहा है। सबका इंटरफेस समझेंगे, उसके बाद में अभी आपने देखा होगा और एक आया है AX फंड एप्लीकेशन। बहुत सारे फंड या IM फंड, मतलब ऐसे ऐसे नाम के फंड एप्लीकेशन मार्केट में आए हैं। इनका इंटरफेस क्या होता है और ये हमेशा क्या करते हैं आपको पता होगा, रिचार्ज का ऑप्शन होता है गाइज, आप इनमें पैसे डालो, रिचार्ज करके पैसे आता है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कुछ ऐसा प्लान बाय करने का, बाय कर लेते हो और आपको डेली की अर्निंग देता है। और सबसे बड़ी चीज़ गाइस, ये जो एप्लीकेशन होती है ये सजेस्ट कौन करता है आपको? जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया गाइस तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपके ही कुछ फ्रेंड सर्कल अगर आपको सजेस्ट कर दे भाई ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है, यहाँ से यार अच्छा पैसा बन सकता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर देते हो, 500 रुपये या 1000 रुपये का एक छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये ब्लॉकचेन इनकी तैयार होती है और सजेस्ट क्यों करता है, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे 20% 30% तक मतलब कमीशन है। आप 1000 रुपये सामने वालों को बोलो डालने के लिए, भैया इसमें डाल दो, तो आपको 300 रुपये मिल जाएगा इधर आपके पास। मतलब ऐसी बहुत सारी कमीशन वाली चीज़ें हो जाती करके आपको एक तरीके से लोग सजेस्ट करते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में कि भैया इसमें इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन गाइज आपको बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं। जैसे मैंने बात किया था ब्लैक रॉक फंड, बहुत बड़ा एक स्कैम फंड था। BSA फंड बहुत बड़ा स्कैम कर गया था। JCP, ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशन है मार्केट में आए और 2-3 महीने में छुट्टी कर लिए। लोग यहाँ पे अभी भी कैसे फंसते आपको बताता हूँ। जिसने सही टाइम पे एंट्री लिया गाइस उनका पैसे बनता है, लेकिन जिनको पता है, हम सोचते हैं कि भाई इसका 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, एप्लीकेशन अभी तक नहीं भागा है, अब तो ये ट्रस्टेबल हो गया है, तो फिर लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, या फिर जो लोगों ने एंट्री कर चुका है पहले से वो और एक्स्ट्रा पैसे डाल देता है और उस टाइम पे जो एप्लीकेशन है वो भैया फरार हो जाता है। आज मैं ये एप्लीकेशन के बारे में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्कैम नाम का एक जो वर्ड है वो भैया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के। अभी देखो आपने OTP स्कीम सुना होगा। OTP स्कीम क्या हो रहा है कि आपने कुछ फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर किया कुछ सामान और आपको ब्लू डॉट कोई बंदा आता है पार्सल रिसीव करने के लिए, बोलता है भैया एक OTP दे दो। वो OTP आप तो पता है कि एक OTP लगता ही है, 1 टाइम पासवर्ड, तो आप दे दे दो। उसके बाद में आपका पासवर्ड तो भैया पार्सल तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन अकाउंट का जो पैसे वो खाली हो रहा है। मतलब ये एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको चारों तरफ से किस तरीके से जो बंदों को पकड़ा जाए वो भैया प्लानिंग करते हैं। अब ये जो फंडिंग एप्लीकेशन का जो राज है गाइस, मैं बता दूं आपको, सब इसमें लॉस में नहीं होते। कौन लॉस में होता है? जो मैंने बताया एग्जिट टाइम और एंट्री टाइम इनका क्या बनता है। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर होता है, कोई भी बंदा ऐसी चीज़ों में जब भी जाता है तो पहली और दूसरी बार ज़रूर फंसता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो गया तो फिर वो फंसने वाला नहीं है, वो फिर दूसरों को फंसा के अपना पैसा बना के निकल जाएगा। ये चीज़ें है गाइज, लेकिन मार्केट में आप देखोगे कितनी सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है गाइज। आए दिन सप्ते की 7 एप्लीकेशन मिलेगी आपको और डेली भैया डेली अर्निंग, नया नया रिचार्ज प्लान लाएगी। एक तो आपको प्लान खरीदने के लिए बोलेगा, दूसरा है तो कलर्स का ऑप्शन होता है। कलर्स वाले भी बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। मैं बात डायमंड प्ले की नहीं कर रहा हूँ, एक डायमंड प्ले नाम का भी एक एप्लीकेशन है गाइज, उसमें भी काफ़ी अच्छा लोग पैसा बना रहे। ये जो डायमंड प्ले एप्लीकेशन, उसके बारे में मैं आपको कुछ दिनों बाद वीडियो बना के दूंगा, आप कैसे कमा सकते हो इसमें। ये एक ट्रस्टेबल मुझे लगा क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न भी है, स्कैम वाली कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी समझेंगे कुछ दिनों बाद। मैं खुद से पहले एक बार समझ लूँ उसके बाद आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो फंडिंग एप्लीकेशन है गाइज, उससे कैसे बचना है, तो एक ही सवाल है आपसे और एक ही जवाब है उसका, बस भैया ऐसी एप्लीकेशन को स्किप मारो अगर आपको उतनी समझ नहीं है तो।
और इंट्री मारना है तो कैसे मारो, आपको पता है आप एक में लॉस हो जाते हो तो फिर भी आपको चार जो एक्सचेंज है फंडिंग वाले वो पैसा बना के दे दे आपको। मैं बोलूँ कि भैया अभी जो एक एप्लीकेशन आया GD एप्लीकेशन, 1 महीने पुराना हो गया। मैंने बोला 3 महीने चलता है, तो आपको बोलोगे चलो 2 महीने तक मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, तो ये रिस्क है। लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग में पता चलता है तो चलो यार ठीक है, आपने एक दो बार का पैसे यहाँ से निकाल लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे एप्लीकेशन की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। आप कस्टमर सपोर्ट आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत सारी साइड है गाइस, MS, X, मतलब नाम तक याद नहीं आ रहा मुझे, आए दिन मेरे कॉन्टेक्ट में तो आते रहती है, क्योंकि जो जिस जो इंसान ऐसी चीज़ों से घिरा हुआ है उसके पास बहुत जल्दी पहुँचेगी। आपको ये चीज़ें समझना है ना। आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन तो चला ही रहे हो, आपके सामने बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों में फंस जाते हो। आपको एक चीज़ याद रखना है, फंडिंग एप्लीकेशन में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि चलो यार मेरी किस्मत लग जाए, मैं थोड़ा बहुत दिन का 150 कमा लूँ, तो हमेशा आपको ना एप्लीकेशन के बारे में पहले यूट्यूब पे सर्च करो। कैसा सर्च करना है, जैसे मैंने बोला ब्लैक रॉक फंड, आप ब्लैक रॉक फंड सर्च कर लो क्या है, स्कैम या जो भी, आप उसके आगे नाम जोड़ लो और उसकी लास्ट वीडियोस देखो आपकी कब अपलोड हुई थी, और स्टार्टिंग की वीडियो देखो आपकी कब अपलोड हुई थी, उसका जो ड्यूरेशन है वो समझ में आ जाए कि भैया एप्लीकेशन इतने दिन चलती है। फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो कि चलो यार ये एप्लीकेशन नई आई है, हमको शायद 300 रुपये 500 रुपये डूबने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इन्वेस्टमेंट कर देते तो फिर ठीक है। आप 300 500 में, जैसे 500 का प्लान भी खरीदते हो आपको 10% या 20% का 2 दिन में रिटर्न देगा, क्योंकि जो भी फंडिंग एप्लीकेशन होता है गाइस वो आपको पहले लुभाने के लिए एक छोटा प्लान देगा, 500 रुपये का आपको 750 रुपये या 700 रुपये बना के देगा। उसके बाद आपको लगेगा भैया अरे तो पैसे दे रहा है, अब एक बड़ा प्लान खरीदते 2000 रुपये का, फिर एक बड़ा खरीदते 5000 का, देन रिजल्ट 0। तो ये चीज़ आपको थोड़ा नोटिस करना है कि एप्लीकेशन से कैसे बचना है, और एप्लीकेशन में एंट्री करना भी है तो किस टाइम पे करना है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भैया बिल्कुल मत करो। आपका अगर 500 रुपये डाले आपने और 700 रुपये निकाल लिए वहाँ से, तो उसके बाद से 500 निकाल लो, और जो 200 रुपये से जो डेली का और कुछ ना कुछ नया प्लान अगर मिल जाता है आपको तो रखो, या तो 200 रखने पर ही जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो वो लो, पर 200 का ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, इसमें कमीशन वाला बहुत बड़ा रोल होता है। 6 7 लोगों तक, 3 ऐसी ब्लॉकचेन होगी जैसे मैंने शेयर किया, आपको आपको कमीशन मिलेगा 20% का, फिर मुझे मिलेगा 20% का, और आप जो 3 बंदों को शेयर करते हो उसमें भी 10 10% का मिलता है। ये चीज़ें समझना है, प्रॉफिट के चक्कर में बिल्कुल मत जाओ, थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में है, क्रिप्टो में जाइए आप, हो सके तो आप कुछ ऐसा शेयर खरीद लीजिए 4 5 साल के लिए, भूल जाइए ऐसी चीज़। अगर आप इनमें ही पैसा बनाना चाहते हो तो जो मैंने बताया कि कैसे एप्लीकेशन को समझना है, परखना है, कितना अमाउंट करना है इन्वेस्टमेंट, वो चीज़ समझ के आप करो तो आपके लिए बेस्ट है। वीडियो में गाइस एक बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो पसंद आता तो बिल्कुल लाइक करो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।